सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट बेट्स पिलानी। तो यार आज जेई मेंस के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी बड़ा दिन होने वाला है। जेई मेंस फोर्थ अटेम्प्ट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि आज ही डिक्लेयर होगा, क्योंकि कल से जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। और अब जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन है वो डिले नहीं होंगे, 100% कन्फर्म्ड है कि आपका जो रिजल्ट है वो आज ही डिक्लेयर होगा। अब आज किस टाइम तक डिक्लेयर होगा, आज आपका रिजल्ट 12 बजे के बाद ही डिक्लेयर होगा, या तो दिन के टाइम पे डिक्लेयर होगा या फिर मिडनाइट पे डिक्लेयर होगा जैसा कि होता है। और 99% चांसेस है कि आपका जो भी रिजल्ट है वो मिडनाइट में ही आएगा या 12 बजे के बाद में। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज नीट का पेपर भी है। जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका आज नीट का पेपर भी है। वो 12 बजे तक वो खत्म होएगा, उसके बाद ही रिजल्ट पब्लिश होगा, क्योंकि आज एनटीए को नीट भी सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना है और जेईई मेंस के आंसर की और रिजल्ट भी सक्सेसफुली ही पब्लिश करनी है। तो आपके नीट के पेपर खत्म होने के बाद ही आपका जो है रिजल्ट आ रहा होगा, जो कि आपका जेईई मेंस का रिजल्ट होगा फोर्थ अटेम्प्ट का, जिसके अंदर आपकी या तो दिन में आंसर की आ जाएगी और आंसर की आने के 4 से 5 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा शाम को, या फिर आपका जो है आंसर की और रिजल्ट दोनों एक साथ पब्लिश होएगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो है मिडनाइट के अंदर रात को 12-1 बजे के आसपास ही वो पब्लिश हो रहा होगा करेक्टेड आंसर की और जो रिजल्ट है वो। अभी जो जेईई मेंस की साइट पे आपको दिखा रहा है वो कौन सी आंसर की है, वो एक ड्राफ्टेड आंसर की है जिसके अंदर अभी करेक्शंस नहीं हुए हैं। तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए आज। तो आप हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और जिन लोगों को भी आप बहुत अच्छा मानते हैं, जो आपके क्लोज टू हार्ट है, उन सबकी आज आप बेस्ट विशेस ले लीजिए, क्योंकि उन सबकी आज आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। 110% आपका रिजल्ट आज ही कंफर्म हो जाएगा, जिसके अंदर जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक मेंशन होगी, आपकी कैटेगरी रैंक मेंशन होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपकी जनरल कैटेगरी की तो जो रैंक होती है वो तो ऑल इंडिया रैंक की होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक मेंशन होगी ऑल इंडिया रैंक के साथ। ओबीसी कैटेगरी रैंक आएगी, एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी रैंक आएगी, एक तरफ ऑल इंडिया रैंक आएगी और एक तरफ कैटेगरी रैंक भी आएगी। एक तरफ जो होगा आपकी परसेंटाइल कट ऑफ आएगी कि 91% से ज्यादा बच्चे जनरल के लिए क्वालिफाई करें या 90% से ज्यादा जनरल की क्वालिफाइंग कट ऑफ एडवांस के लिए, फिर एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सबकी क्वालिफाइंग कट ऑफ आ रही होंगी। पर सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल भी आएंगी, वो तो खैर हर बार ही आती है। सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल आएगी, फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी, फिर आपकी कैटेगरी रैंक होगी और फिर लास्ट में जो है कैटेगरी वाइज परसेंटाइल कट ऑफ लिख रखी होगी जेईई एडवांस के लिए। इस तरीके से आपका रिजल्ट आज आ रहा होगा। तो यार अपने रिजल्ट के लिए एकदम अच्छे से ज्यादा एंजाइटी वाले मूड में और डिप्रेशन वाले मूड में ना जाएं, ज्यादा वेट ना करें। आपका रिजल्ट एक बार चेक कर ले, दिन टाइम में कभी आ जाता है जिसके चांसेस कम है। आंसर की अगर दिन में आ गए तो रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली शाम तक आ रहा होगा, और दिन में अगर आपकी आंसर की नहीं आई तो समझ लेना आंसर की और रिजल्ट दोनों रात में आएंगे, मिड नाइट तक आपके पास जो है रिजल्ट और आंसर की दोनों आ रहे होंगे। ठीक है यार, तो हमारी टीम की विशेष आपके साथ हमेशा है। वंस अगेन विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।